कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ मीठा खाने का मन करता है और घर पर कुछ भी ऐसा मीठा नहीं होता, तो उसके लिए हम ये लड्डू लेकर आए हैं। ये आसानी से आप घर के सामानों से बना सकते हैं और दो तरह के लड्डू आज हम आपको बनाने के लिए बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। हर रेसिपी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब को दबा दीजिए, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा यानी कि चैनल सब्सक्राइब हो गया है, और बगल में लगे बेल आइकन को और ऊपर जब ऑल बन गया है तो ऑल को क्लिक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री में है तो आप ऐसा कर लीजिए। सबसे पहले देखिए मैंने 15 मैरीगोल्ड के बिस्किट ले लिए, कोई से भी बिस्किट आप ले सकते हैं। इनको छोटे टुकड़ों में कर दिया है। अब इसको मिक्सिंग जार में डाल के इसका पाउडर बना लेते हैं। इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए अब हम एक चॉकलेट वाले आपको बताएंगे। ये देखिए डार्क कलर का चॉकलेट मेरे पास है, इसको मैंने फ्रीजर से पहले से निकाल के रख दिया था, तो इसको देखिए काटने में आसानी हो रही है। तो इसको मैंने छोटे से ऐसे ग्लास में बिल्कुल डाला है, क्योंकि बड़े बर्तन में डालेंगे तो बहुत सारा चॉकलेट वेस्ट होगा, उसमें चिपक के रह जाएगा। और ये उबलते हुए पानी में ऊपर से ग्लास रख देंगे। और ये देखिए ये पाउडर फॉर्म में बिस्किट तैयार हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा बारीक हमें चाहिए। अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। इसमें 2 चम्मच हम शुद्ध घी डाल देंगे, ये मेल्टेड है, जमा हुआ होगा तो भी आप डाल दीजिए। अगर आप चॉकलेट वाले बनाते हैं तो बटर डालिए तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। इस तरह से इसको डाल करके और मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें, ये मिल्क मेड है हमारे पास, तो ये मिल्क मेड हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे ताकि इसको आसानी से हम बांध सकें। तो इस तरह से शुद्ध घी और ये मिल्क मेड से ये बिल्कुल आसानी से बन जाएंगे लड्डू। तो ये मिल्क में थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, डो को तैयार कर लेंगे। अब देखिए डो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम लड्डू की शेप देते हैं। हाँ, बिस्किट से बने हुए लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि बिस्किट से बने हैं। अब इसके अंदर चाहे तो कोई नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, हम ऊपर से लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से हमने इसको शेप दे दी है। ये देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको, ये देखिए मैंने रोस्टेड मूंगफली ले ली थी, इसको थोड़ा सा दरदरा कूट लिया था कपड़े में रख करके। अब इसको इसके ऊपर लपेट देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से लपेटने से लड्डू का लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। सारे ऐसे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, लग रहे हैं ना टेस्टी। अब ये चॉकलेट मेल्ट हो गया है, इसमें ध्यान रखना है पानी ना जाए, पानी की कुछ बूंदे ना जाए इसमें। अब ये मेल्ट हो गया है, इसको नीचे उतार लेते हैं। इसको नीचे उतारने के बाद एक टूथपिक लेंगे, उसमें लड्डू को लगा देंगे और इसमें डाल के इसको डिप कर लेंगे। अच्छी तरह से डिप हो जाएगा ऐसे राउंड करके। अब इसको निकाल लेंगे इसमें से। इसके बाद ये जो मैंने पीनट्स ली थी इसमें इसको डाल करके इसको भी इस तरह से डेकोरेट कर देंगे। कैसे लगे आपको ये लड्डू? आप लाइक शेयर और कमेंट करिए। आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू।